गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे फ्री फायर मैक्स के अंदर जो नेम चेंज करने का जो कार्ड है वो अभी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कार्ड अवेलेबल नहीं है, सोल्ड आउट की इश्यू है। तो क्या करेंगे, कैसे कार्ड आपको वापस मिल पाएगा, वही इस वीडियो में हम समझेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जो हमारा नेम चेंज होता है, ठीक है, यहाँ से हमें अपना नेम चेंज करना है बेसिकली, लेकिन नेम चेंज हो नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पर इश्यू आता है कार्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, और यहाँ पे सोल्ड आउट भी हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टोर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हम जो है रिडीम पे जाते हैं, गिल्ड टोकन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये अभी देखिए सब कुछ लॉक बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी अभी अनलॉक नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे किसी के ऊपर क्लिक भी करता हूँ तो ये सब कुछ मेरा लॉक लिखा रहा है, या फिर सोल्ड आउट की इशू है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो क्या करना होगा और कैसे आपको इसे ठीक करना है, बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए अभी लेवल जो है, मतलब आपका जैसे लेवल आगे बढ़ेगा उस टाइप से ये जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए काफ़ी बार क्या होता है कि हम इसका यूज़ ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ठीक है, तो उस केस में सोल्ड आउट भी होता है। तो आपको करना बस कुछ नहीं है, एक 4-5 दिन वेट कीजिए और आप अपना गेम को प्रोग्रेस, मतलब जिस तरीके से नॉर्मली आप गेम खेलते हैं उस तरीके से आपको प्ले करते रहना है। एंड जिस तरीके से आप गेम प्ले करोगे आने वाले टाइम में ये जो है ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। एंड आप जो है मतलब यहाँ पे सोल्ड आउट की इशू आपकी ठीक हो जाएगी। बस आपको 4-5 दिन लगातार गेम को प्ले करना है, लेवल अप जैसे होते रहेंगे उस तरीके से आपको जो है यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे अवेलेबल भी हो जाएंगे। आप उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। तो ये कुल इसका प्रोसेस है। बाकी आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।